उनका ये हो सकता है कि ये तो पहली बात है कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि उनका खुद चीज़ का नुकसान है एक्सपोर्ट बंद करने का। एक्सपोर्ट अगर आप बंद कर देंगे आपके मुल्क का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है GDP वो नीचे आ जाता है। अब उसलिए ऑब्वियसली इनको इस चीज़ का नुकसान बहुत होगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान और चाइना दे आर द लार्जेस्ट राइस मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स। ये जो कहते हैं जो सियासी लोग होते हैं ये आपस में माएँ बहनें होती हैं, इसमें पागल कौन बन रहा होता है, इसमें पागल कौन बन रहा है, इसमें मैं और आप हैं, हमारी आवाम है, ठीक है, हम इनके पीछे पता नहीं क्या से क्या कर रहे होते हैं। इंडिया हर लिहाज से आगे जा रहा है, किसी भी मुल्क से पीछे नहीं रह गया। IT की बात कर लें, ज़राअत की बात कर लें, स्पोर्ट्स की बात कर लें, सियासत की बात कर लें, हर लिहाज से वो आगे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं और एक बड़ी न्यूज़ भी आई है कि इंडिया ने जो है चावलों की जो है एक्सपोर्ट में बैन लगा दिया है। अगर ऐसा क्यों हुआ है, क्या इसके पीछे वजूहत हो सकती हैं, आइए पाकिस्तानी आवाम के दल हैं उनसे बातचीत करते हैं कि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है क्या इस वजह से या कोई और बीच में बात है। सुनने में आ रहा है कि कोई परसेंटेज का इशू है या वो क्वालिटी लेवल पे भी काम कर रहे हैं, इसी वाले से आज हम बातचीत करेंगे और देखते हैं आवाम क्या रिव्यू देती है। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। हम सबसे पहली बात है कि करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की, ये बात आज से नहीं है, ये स्टार्टिंग से हो रहा है कि जो इंडिया है चाहते नहीं है कि कभी के पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान में अमन आए, और कुछ लोग इंडिया के भी हैं जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं जो कि मतलब के चाहते हैं कि कुछ लोग होते हैं ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान में अमन आए, कुछ लोग होते हैं कि अमन नहीं आए। और रही बात रही चावल की इंपोर्ट इसलिए नहीं हो रहा कि इस पर अगर आप बात करते हैं तरक्की की, ठीक है, चावलों की बात करते हैं तो मतलब कि वो ये नहीं चाहते पाकिस्तान में तरक्की हो, कुछ वो नहीं चाहते कि उधर कोई तरक्की हो, ठीक है, और इस तरह से कुछ मामला। नॉन बासमती चावल को उन्होंने कहा है उससे रिलेट किया पाकिस्तान, अब बीच की वो बात नहीं बता रहे, फिर वो कह रहे हैं कि परसेंटेज ज़्यादा हो रही थी इसलिए हमने उसको कर दिया है, ठीक है, और फूड की और इन्फ्लेशन की बातें वो कर रहे हैं, मतलब मेन बीच की बात नहीं बता रहे कि वो पाकिस्तान से कनेक्ट हो रहा है इस वजह से तो नहीं वो कर रहे। शायद इसमें ये भी इसमें देखें कि बहुत सारी वजह आ सकती हैं, ठीक है, अभी इसमें हम एक पर बात करें तो इसमें ये कुछ हमारी समझ से बाहर है, कुछ बात आप वो क्या बोलते हैं कि पेट्रोल पर भी अगर आप बात ले जाएँ तो ये ज़्यादा कल की बात नहीं है, कल की बात है, बात थोड़ी सी चली है कि पता नहीं पेट्रोल पता नहीं बढ़ रहा है या पता नहीं कम हो रहा है, ठीक है, आप देख लें कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि पता चल जाए कि पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ रहा है तो हमारे पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग जाती हैं, ठीक है, तो अभी अब तक पता ही नहीं होता कि बढ़ना है या कम होना है, ठीक है, ये तो बात की बात है कि बढ़ेगा ही कम, हम पहले ही उनका इतना कर देते हैं कि बचड़ उनका इतना ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं कि वो ईजी हो जाता है उनके लिए, कमाना ईजी हो जाता है। अभी जो पाकिस्तान में रेट चल रहा है जो चावल का चार है मेरे ख्याल में 330 चल रहा है ये चावलों का ना, तो अभी ये मेरे ख्याल में मैंने कल परसों मेरे ख्याल में घर के चावल लिए हैं तो 360 तक, हफ्ता पहले लिए थे 330 के और कल लिए हमने 360 के, मतलब 30-40 रुपए का 1 किलो के साथ फ़र्क आ रहा है। और ये जो हमारे जो बड़े ये जो ताजर हैं तजारत करते हैं ये 300 मतलब के मन किलो उठाते हैं, अगर मतलब के महंगाई के साथ अगर 1 किलो के साथ 30 रुपए बढ़ रहे हैं तो आप देश ये सोचें कि 300 मन के साथ इनको कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, ये हमारे सोच से भी बाहर है लेकिन पाकिस्तान के हालात फिर भी आपके सामने हैं, इनके कर्जे ख़त्म नहीं होते, रोते रहते हैं जी तो यह हो जाना वो हो जाना पता नहीं क्या से क्या होता है, मैनेज नहीं करके देते रहे। तो आप क्या कहते हैं कि इस तरह से जो इंडिया एक से पचास से ज़ायद ममालिक में कर रहा है तो उनके जो इम्पोर्ट जहाँ कर रहे हैं उधर नहीं फ़र्क पड़ेगा, सारी पता वो भी अपना कारोबार चला रहे होंगे, अब चाइना है, चाइना में सबसे ज़्यादा जाते होंगे, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो उनसे नहीं ताल्लुकात रखना चाह रहा, क्या उसने एकदम सोचा एकदम ही बैन लगा दिया? देखें अब बात ये है कि फ़र्क तो हर एक पे आ रहा है, अभी तल्लुकात की यहाँ पर बात है कि ये जो कहते हैं जो सियासी लोग होते हैं ये आपस में माएँ बहनें होती हैं, इसमें पागल कौन बन रहा होता है, इसमें पागल कौन बन रहा है, इसमें मैं और आप हैं, हमारी आवाम है, ठीक है, हम इनके पीछे पता नहीं क्या से क्या कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन भूखा सोया है, कौन पेट भर के सोया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस ये आपस में उनके तल्लुकात है, बस हमको ये चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे के तल्लुकात ना ख़राब करें। देखिए जो हमारी अपनी प्रोडक्शन है, अब चावल तो जो भी एक चीज़ हमारी अपनी प्रोडक्शन है तो हम उसमें तो इतनी ग्रिप बनाएं कि कहीं हम उसको इम्पोर्ट करें तो हमें कोई बेनिफिट तो हो, ऐसा होता है कि जो हमारी आपको लगता है जो हमारी प्रोडक्शन है हमने बनाई है या हमारी इधर हमारे खेत हैं या हमारे तो हम यहाँ से कोई इम्पोर्ट करते हैं, हमें फ़ायदा तो हो, कि मुझे तो नहीं लगता कोई फ़ायदे के तौर पर जाता है, हमको बिल्कुल चाहिए, हमको देखें कि हमारी जो मईशत है ना, हमारी जो पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, हमको चाहिए कि अपने ममालिक में इसको इस तरह मुल्क में इसको इस तरह फैलाएं कि
हर चीज़ जहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई है, जहाँ पर चीज़ 100 रुपए बिक रही है वहाँ पर इनको 60 रुपए की बिकनी चाहिए। और लेकिन हमारा ज़्यादा रुझू क्या होता है, हमारी जैसे आप मूँगफली को ले लें, आप गंदम को ले लें, और बहुत सारी चीज़ें हैं, चावल, मतलब कि आप पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिनमें हर चीज़ पाई जाती है। ठीक है, मौसम भी 4 पाए जाते हैं और फल भी सारे पाए, तकरीबन हर चीज़ पाई जाती है। अगर हम ये चाहें कि वही चीज़ें पाकिस्तान में भी इकतदार में लाएँ, इनको चलाएँ बढ़ाएँ, तो पाकिस्तान में हमारी महंगाई कुछ भी नहीं है। और अगर ये चीज़ें हम बाहर इम्पोर्ट ना करें, अभी ये चीज़ें देखें कि हमारा जो आजकल का जवान है बाहर नौकरी के लिए क्यों जाता है, इसलिए वो बहुत यहाँ मसाइल बहुत हैं, यहाँ पर हर चीज़ सफारी चलती है, यहाँ पर मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ठीक है, बाहर वही जाता है जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास बहुत ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान में टोटल अपना होने के बावजूद वो इधर तवज्जो नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसी ही बात। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि इंडिया ने खुद अपनी प्रोडक्ट तैयार कर ली होगी, क्योंकि इंडिया हर लिहाज से आगे जा रहा है, किसी भी मुल्क से पीछे नहीं रह गया। आईटी की बात कर लें, ज़राअत की बात कर लें, स्पोर्ट्स की बात कर लें, सियासत की बात कर लें, हर लिहाज से वो आगे जा रहा है। मेरे ख्याल से तो उन्होंने अपना कोई फार्मूला तैयार किया होगा जिसकी वजह से उन्होंने एक्सपोर्ट बंद की हुई है। अच्छा, जी है। तो अब जाहिर बता, वो अब हम ये भी अब जाहिर बता पाकिस्तान से रिलेट है, तो ये तो नहीं होगा पाकिस्तान से रिलेट है तो इसलिए उन्होंने कर दिया। ये चाइना में भी बहुत ज़्यादा उनकी एक्सपोर्टिंग होती है, क्योंकि हो सकता है कुछ चाइना के साथ इशूज़ हो सकते हैं, वैसे तो हर एक के साथ उनके ओके जा रहे हैं। देखें, उनके इश्यूज़ तो काफ़ी ममालिक के साथ होते जा रहे होंगे, मगर पाकिस्तान तो उनका रवायती हरीफ है ना। अच्छा। तो इस लिहाज से भी वो कह रहे होंगे हम इनसे चावल क्यों लें। मतलब हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मतलब कोई परसेंटेज ज़्यादा थी, इसी तरह से कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, वो हम बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल के लिए बैन करती हूँ। आगे वो मेन बात नहीं बता रहे, कोई समझ नहीं आ रही बात, वो समझ आएगी भी नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना, वो खुद अपना तैयार कर लेंगे, उसके बाद अचानक से कहेंगे जी हम किसी से नहीं ले रहे हैं, जिस तरह अभी उन्होंने बैन किए हैं। क्योंकि वो कोई ना कोई चीज़ के कोई इंसान को भी कोई काम करता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, तो उनको वो मास्टर से कोई प्रोडक्ट उन्होंने बनाया। जी, आई एम श्योर दैट अबाउट दैट। तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये हमारी जो भी हमारी प्रोडक्ट, जो हमारी कुदरती चीज़ें हमें काफ़ी हासिल हैं, तो आप कहते हैं हम इम्पोर्ट करते हैं तो कोई बेनिफिट के साथ हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है जो हम इम्पोर्ट करते हैं? हम मुझे तो नहीं लगता कि हम अपनी जो कुदरती चीज़ें हैं उसका सही तरह इम्पोर्ट में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे हर तरह की प्रोडक्ट है, हम इस चीज़ को सही तरह से इस्तेमाल करें, तो हम जो ये रोना रोते रहते हैं ना कि जी हम कर्ज़े में फंस गए हैं, ये हो गया वो हो गया, वो नहीं होगा। सही तरीके से इसको यूटिलाइज़ किया जाए ना हमारी चीज़ों को, आप गंदम देख लें, चावलों की बात हो रही, चावल देख लें, फ्रूट्स देख लें, तो इस तरह अगर हम इसको सही तरह से एक्सपोर्ट करें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदे की बात है। हम भी इम्पोर्ट अगर करते हैं तो जी, जी। हमारे लिए भी जो है फ़ायदेमंद हो सकता है, उसमें हमारी इकोनॉमी की तरफ सेटल हो। लेकिन ये लगता है मुझे सब दूसरों पे डिपेंड कर देते हैं, आप देखें हमारा सेक्टर। जी बिल्कुल ऐसे ही, आप देखें ना, अब हमारा जो पाकिस्तान है ये सबसे खूबसूरत मुल्क है। ठीक है, यहाँ पर इतनी विजिटिंग स्पेस है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ, कश्मीर वाली साइड पर चले जाएँ, इतनी खूबसूरत है पहाड़ और झीले वगैरह देखने के, अगर हम इस पर वर्क करते तो बाहर के लोग यहाँ पे आके पाकिस्तान में पैसा आता। मतलब ये चीज़ अभी हम लोग नहीं कर रहे ना, अभी हम लोग जाते हैं जी बाहर जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं जी घूमने फिरने, छोटी सी जगह पे घूम के पैसे लगा के आ जाते हैं। अगर यही चीज़ें हम जी ऐसे ही है, और यही चीज़ें अगर हम यहाँ पे अगर हम अपना क्या कहते हैं उसको, ये नॉर्दर्न एरिया में अगर यहाँ पे लोग आए, गेस्ट आए, विजिट के लिए आए, तो ये पाकिस्तान में पैसे आएंगे, ये अच्छा हो सकता है। उनका ये हो सकता है कि ये तो पहली बात है कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कि उनका खुद चीज़ का नुकसान है एक्सपोर्ट बंद करने का। एक्सपोर्ट अगर आप बंद कर देंगे, आपके मुल्क का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है GDP वो नीचे गया आ जाता है। अब उससे ऑब्वियसली इनको इस चीज़ का नुकसान बहुत होगा, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना दे आर द लार्जेस्ट राइस मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो अब ज़्यादा ये है कि चांसेस पाकिस्तान के पास आ जाएंगे और चाइना के पास भी आएंगे एक्सपोर्ट करने के चांसेस। चाइना और पाकिस्तान के पास ज्यादा आएंगे, तो सारी पता वो भी उन्होंने भी तो सोचा होगा, क्योंकि आप देखिए वो हर एक लिहाज से बड़ा स्पीडी आगे जा रहे हैं, वो अपने आप को बैक तो नहीं करेंगे, तो क्या कहते हैं उन्होंने अपनी कोई प्रोडक्शन तो नहीं बना ली? मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि वो अपनी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं और वो अपने मुल्क में यूज़ कर रहे हैं, वो एक अपने एटीट्यूड शो कर रहे हैं टू द वर्ल्ड कि हम लोग वी आर बेटर देन दिस, हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं गुजारा करते हैं, हमारे पास अपनी और चीज़ें भी हैं, अनलाइक आर कंट्री पाकिस्तान ऑब्वियसली जो बेचारा सिर्फ एक्सपोर्ट पे रुलता है। तो आप देखिए पाकिस्तान में भी तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कुदरती चीज़ें हमारी हैं, तो क्या कहते हैं हम एक्सपोर्ट करके उतना बेनिफिट हासिल करते हैं जितना इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप? देखें, हमारा जो एक्सपोर्ट है, हमारा एक्सपोर्ट मेन जाता है फ्रूट, पूरी दुनिया में जाता है फ्रूट। ठीक है, इस तरह मैंगो है आम मुल्तान का, डिफरेंट शहरों का, वो जाता है पूरी दुनिया में।
अब उसका होगी, गंदम होगी और बहुत चीज़ें, पाकिस्तान बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हमें इसका फ़ायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हो भी जाए तो यहाँ पे ना किसानों को जो यहाँ पे करते हैं फार्मिंग वगैरह करते हैं, इनको कोई फ़ायदा नहीं देते, उनसे आप सस्ते रेट में लेके बाहर इतने महंगे रेट पे बेचते हैं, तो हमें यहाँ पे लोगों को क्या फ़ायदा? तो अब ये जो है देखते हैं क्या उसके बीच की बात निकाल रहे हैं, क्या कहते हैं वो पाकिस्तान से रिलेट कर रहे हैं चावल, क्योंकि ये हमारे यहाँ की जो पैदावार है हमारे से रिलेट कर रहा है, या चाइना से कोई उनके खिलाफ आते हैं इस वजह से तो नहीं, उन्होंने बीच की कोई बात अलग हो सकता है, मे बी इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन इंडिया का ये है कि कुछ दिनों पहले मोदी ने भी कहा था कि वी आर नॉट कम्पीटिंग विद पाकिस्तान, हम लोग पाकिस्तान से दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ को उन्होंने दूर कर दी, ये कॉन्सेप्ट कि हम पाकिस्तान किसी और कंट्री से मुकाबला कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान से ऐसा नहीं है कि मुकाबला कर, बिल्कुल ऐसा ही है, वो पाकिस्तान को मुकाबले के लायक समझते नहीं है, रीजन ये मतलब उन्होंने बात इनडायरेक्टली किया और वो बड़ी बात उन्होंने कर दी, वो ऐसे किया कि लोग कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का मुकाबला करना है, नहीं हम पाकिस्तान का नहीं, हम बाकी मुल्कों का मुकाबला करना है, ग्रेटर देन पाकिस्तान, इस तरह US हो गया, कनाडा और बड़ी कंट्रीज जो है उनका मुकाबला करना चाहते हैं, पाकिस्तान हमें वो कुछ नहीं समझते। तो आप क्या कहते हैं कि जो इतना बीच में इख्तलाफात हुए हैं, कभी आप कहते हैं कभी हो पाएंगे? हम अक्सर कहते हैं कि आप कोई कारोबारी लिहाज से इंडिया से बातचीत करना चाहेंगे तो कुछ लोग अग्रेसिव भी हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं ये जो बीच के मामले आ रहे हैं कभी ठीक हो पाएंगे, दिलों में बात बैठ गई है? नहीं, हो जाने चाहिए वैसे असूलन, क्योंकि हम लोग देखें हम लोग पहले कितने साल हज़ारों साल साथ रह चुके हैं, वो भी हमें हमसे हम भी उनमें से हम एक ही लोग हैं लेकिन डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, तो उसका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम आवाम की बात करें, आपके व्यूज़ दें या उधर की आवाम की व्यूज़ दें, तो वो नहीं चाहते कि हम आपस में इख्तलाफात रखें या अलग रहें, ये बीच की कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं या बीच के कुछ शिद्दत पसंद भी हो सकते हैं, मे बी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे अपने कुछ इंडियन दोस्त हैं तो उनसे जो बातचीत वगैरह होती है यही कहते हैं कि यार द वॉर द एवरीथिंग द फ्यूड इज़ फ्यूटाइल, किसी भी काम का नहीं है। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए, उनसे बातचीत की, उनसे पूछा, उन्होंने यही कहा था कि इंडिया जो है वो अपनी प्रोडक्शन बनाता है, मे भी हो सकता है वो इस पर वर्किंग भी कर रहा हो, और अगर बात की जाए अपने पाकिस्तान और चाइना से, हो सकता है वो इन दोनों से जो है इस तरह से ना लेना चाह रहा हो जिस तरह से वो एक हर एक से कम्युनिकेशन रखता है। और अगर हम बात करते हैं चावलों की, तो चावल जो है अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर भी जो है काफ़ी ऐसी मदनियाद है जो हम एक्सपोर्ट करके ख़ुद बड़ा बेनिफिट हासिल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस तरह काम नहीं करता जिस तरह इंडिया हर एक लेवल पे देख रहा है। वो एक एटीट्यूड भी शो कर रहे हैं कि हम जो है अभी क्वालिटी वर्क पे काम कर रहे हैं और हमारी जो प्रोडक्शन है वो सबसे बेस्ट होती है, हो सकता है इस वजह से भी हो। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।